बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जाने। ये देखते हैं कौन साहब हैं, पहली दफ़ा ये। अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ और मेरा इधर मैंने फार्म बनाया है इधर बराको से आगे पिन पे ग्वाल वाली साइड पे। जी जी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें मैं कौन सी ब्रीड के लिए कौन सी बकरियाँ रखूँ, मक्खी चीनी रखूँ या पीतल रखूँ। मैं उनको खुश्क चारे पर पालना चाहता हूँ, मेरे पास 3-4 कुनाल अंदर जगह है, घूमने फिरने के लिए अंदर शेड भी बना हुआ है बेहतरीन, और मैं चाहता हूँ मैं उन्हें खुश्क चारे पर पालूँ। और मुझे आप सजेस्ट करें कि मैं कौन सी ब्रीड रखूँ, यहाँ पर मक्खी चीनी अगर पटे लाऊँ 8-9 महीने की, या पीतल अमृतसरी नागरा जो मिलती हैं वो लाऊँ। ये आप काइंडली मुझे सजेस्ट करें, बहुत शुक्रिया जी। मेरी जान दोनों ला सकते हैं, बीतल ज़्यादा बेहतर रहेगी और दूसरी मक्खी चीनी भी चलेगी। और आप भले उसको हे पे या खुश्क चारा पे पाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उनके चरागाह हल्का फुल्का कभी चराने के लिए भी थोड़ा ले जाया करें, ज़्यादा बेहतर होगा। और बाकी मेरे प्रोग्राम्स देखते जाएं, उसमें मैंने खुराक इनकी हर स्टेज पे दे रखी है, वो उस तरह की खुराक बनाएं वो इनको दें। और पट्ठे लाएंगे ज़्यादा बेहतर है, पट्ठे लेके आएं और साथ अगर हे पे और ज़्यादा पैदावार भी लेनी है, ज़्यादा बच्चे पैदा करवाने हैं तो वो आप टैडी भी रख लें। ये तीनों भले रखें बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह फजल करेगा बेहतरीन, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा। ठीक है, और प्रोग्राम देखते जाएं, उसमें हर चीज मैंने दे रखी है। ठीक है, फीमाल्लाह। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कुरान करीम सूरा अनकबूत। अल्लाह ताला ने फरमाया, और बिला शुबा अल्लाह का जिक्र हर चीज से बड़ा अफजल है। सदक अल्लाह अल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।